पंजाब कृषि टीवी में आपका स्वागत है। मुकेश गौतम बिलासपुर से आज आपको गोविंद सागर झील, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, और आज दोपहर के ये मनोरम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब कृषि टीवी के माध्यम से। हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हैं उनसे प्रार्थना रहेगी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आज के ये दोपहर के मनोरम दृश्य सभी तक पहुंच सके, क्योंकि ये बिलासपुर शहर गोविंद सागर झील के किनारे बसा है, तो यहाँ पर अक्सर सुबह शाम धुंध पड़ी रहती है, मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही दोपहर का समय होता है 11 बजे के बाद हल्की हल्की धूप यहाँ पे खिलना शुरू होती है, और जिसका लुत्फ़ उठाने के लिए सैलानी और स्थानीय लोग गोविंद सागर झील के किनारे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर सैर सपाटा भी होता है और साथ में धूप का आनंद भी लोग यहाँ उठाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार बोट यात्रियों को लेकर चलते रहते हैं सारा दिन, सवारियाँ इधर से उधर अपने गंतव्य स्थानों पर पहुँचती है, और ये ऊपर बिलासपुर शहर का ये मनमोहक दृश्य है। पहाड़ी के ऊपर बिलासपुर शहर बसा है। और जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनके खान पान की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनसे प्रार्थना रहेगी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ১৯৬০ के दशक में ये गोविंद सागर झील अस्तित्व में आई थी जब भाखड़ा डैम का निर्माण हुआ था, और यहाँ पर कई तरह की स्पोर्ट्स गतिविधियाँ भी चलती रहती है समय समय पर। जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है अब झील का, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि किनारे अब काफ़ी दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ ऊपर तक सारे पानी भरा होता है बरसात के दिनों में, और ये बिलासपुर शहर जहाँ धुंध छाई रहती है हर समय, लेकिन अब इस समय मौसम पूरी तरह से साफ है दोपहर के समय। बोट के माध्यम से सवारियां इधर से उधर बिलासपुर शहर पहुंचती हैं, समीपवर्ती गांव, वहां से सवारियां लगातार आती रहती हैं।